हेलो नंदन, सी अंकित से स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आऊँ एक अच्छी सी कहावत, और ये कहावत है वंस बिटन ट्वाइस शाय। इसका गाइस मीनिंग क्या होता है देखिए, अगर हम हिंदी में जाए तो इसका मतलब हुआ वंस बिटन, मतलब जिसको एक बार काटा जाता है वो दो बार शर्माता है, ट्वाइस शाय दो बार शर्माता है। लेकिन गाइस इसका यूज हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका यूज ऐसे करेंगे जब भी हमें कहना हो कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। हाँ, आप लोगों को चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की याद आई होगी, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसी ही कहावत यूज की गई थी, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो गाइस ये कब यूज होती है, लेट मी टेल यू। जैसे गाइस आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत ही रैशली ड्राइव करता है, बहुत ही तेजी से ड्राइव करता है। अब तेजी से इतनी ड्राइव करता है कि उसको कोई टेंशन नहीं होता है, जब भी उसके पीछे भी कोई बैठना वो कहता है यार तू तो टेंशन मत ले, तू भाई मेरे साथ बैठा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उस एक्सीडेंट होने के बाद अगर उसे खाली रोड भी मिले ना, वो बहुत स्लो चलता है। जैसे कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। अब इस कंडीशन में उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, तो इसलिए वो जब भी किसी भी रोड पे जाता है, भले ही वो रोड बहुत ज्यादा खाली हो, वहां पे भी बहुत केयरफुल रहता है, क्योंकि एक बार उसके साथ एक्सीडेंट हो चुका है। सो इस टाइम वो सोचता है कि मुझे एकदम से ध्यान रखना है अपने बारे में, कहीं मेरा फिर से एक्सीडेंट ना हो जाए। तो भाई इस कंडीशन में आप लोग कह सकते हो वंस बिटन ट्वाइस शाय। आप इसको कैसे यूज करोगे, जैसे सपोज कीजिए किसी ने आपको मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के लिए कहा, और आपको पता है कि ये काम आपके बस का नहीं है, तो आपको किसी ने कहा यार ये बहुत अच्छा है प्लीज ज्वाइन इट, तो आप उसे कहते हो भाई वंस बिटन ट्वाइस शाय, मैं एकदम से डिसीजन नहीं लूंगा, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, एक बार मैंने पैसे लगाए थे एंड आई सफर फ्रॉम अ ह्यूज लॉस, इसलिए दिस टाइम वंस बिटन ट्वाइस शाय, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी होगी तो यू नो वेरी वेल, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट। बूम।